सुना है कि लोग खफा हैं हमसे। तुम तो मुझसे बात ही मत अरे करो। यार, अगर बात नहीं करूंगा तुमसे आनी है तो फिर सांस कैसे लूंगा। आई मीन इस पूरी दुनिया में एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी। ओह, ये सारी ओवर एक्टिंग करने से पहले ना, जो रात को तुमने मुझसे चीप किस्म की बातें की ना, वो याद करो। अच्छा सुनो, इन बातों को छोड़ो यार। वो कजिन जो तुम्हारी, बड़ी फिट है यार, क्या सीन है उसका? मतलब ठीक पसंद करके गए पता? लेकिन उसने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया, तो चांस बनता है। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी सेकंड करा दूं। I mean to be honest with you, I don't mind, लेकिन यार तुम्हारे भाई का सीन ऑफ हो जाएगा, पहले उससे पूछ। इस बात का क्या मतलब हुआ? बात का मतलब ये है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि अम्मी क्यों आई है नाज खाला से मिलने के लिए। हाय मुंतहा, अंदर आ जाओ। माँ से मुलाकात हुई है, इफी खाला का छोटा बेटा। हाँ, मेरी अभी लिविंग रूम में हुई थी मुलाकात। आनिया, वो नानो की इंसुलिन मंगवानी है, किससे मंगवाऊं? ये इमाद किस मर्ज की दुआ है? इमाद दादू की इंसुलिन मंगवानी है। ले आएगा इमाद? दादू की इंसुलिन लानी है, देर हो रही है, जाओ जल्दी। ये किसका सूट है? बहुत प्यारा है। कौन सा ब्रांड है ये? तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत प्यारा है। पता है, कभी इतनी महंगी चीजें नसीब नहीं हुई। तुम्हारे दादू बहुत कमजोर हैं। मुद्दा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इस तरह अचानक आ जाओगे, वरना मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ लेके रखती। मगर एक मिनट, घर हो सकती हो क्या? मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख लो, मैंने एक दफा भी नहीं पहना। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, ये तुम्हारा है, मैं नहीं रख सकती। मुझे, मैं बहुत प्यार से दे रही हूँ, मुझे मना नहीं करना। और मैं पहनूँ या तुम, एक ही बार। तुम्हें पता है तुम अपनी अम्मी से बहुत डिफरेंट हो। एक्चुअली मुझे पता है मम्मा तबीयत की थोड़ी सी सख्त है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। और तुम जानती हो वो इख्तलाफात तुम्हारी। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं नानो को दिखाती हूँ, बहुत खुश होंगी वो। मुझे भी पहन के दिखाना, आई एम वेटिंग। ठीक है, थैंक यू। भैया, आपकी तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है अम्मा से। जी अम्मा, आई इतने अरसे बाद? बस बेटा, निकलना ही नहीं होता। एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से कमबख्त ये जोड़ों का दर्द, कैसे निकले? सही कह रही हैं, लेकिन आपने अच्छा किया अपनी नवासी को साथ लेकर आई, अकेले कहाँ सफर करती। बड़ी प्यारी बच्ची है। रिश्ता किया था आपने इसका? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। अब मुझे अकेली जान से तो ये सब जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। अब यहाँ खैर से बहू है, बेटा है, ये सब लोग मेरी मदद करेंगे। सही कह रही अम्मा, वहाँ अकेली तो नहीं है, जलील आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह उसको जिंदा तंदुरुस्त रखे, बहुत सपोर्ट करता है मुझे। लेकिन बहू, सिर्फ पैसों से तो कुछ नहीं होता ना, सारी जिम्मेदारियां एक अकेली औरत कैसे संभाले, बड़े मसले होते हैं भाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आनिया बेटा, खाना निकाल के दो ना मुंतहा को। अरे नहीं मामू, मैं खुद ले लूंगी। प्लेट दो मुझे अपनी। हलो जा, इस दफा आप मेरे घर दावत खाए बगैर जा नहीं सकती आप। कब तक हैं आप यहाँ पर? बस वो आप तसल्ली से दे दीजिएगा इनको दावत, अभी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा क्या मतलब? मतलब ये कि अब अम्मा यही रहेंगे इसी घर में हमेशा। आपने अपनी बहन भाई के काम देखे? मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। तुम नाज थोड़ा तहम्मुल से काम लो रे लाल। अबा खाक तहम्मुल से काम लो, अम्मा की तो खैर है, लेकिन ये मुंतहा, उसे एक आंख बर्दाश्त नहीं होती। एक आइडिया है मेरे पास तुम्हारी मुश्किल के हल का। तो बताए ना, सबर क्यों आजमा रही है मेरा?
सबर तो करो, बात तो सुन लो मेरी। वो जो मंसूर साहब की फैमिली आई थी, वहां रिश्ता करके जान छोड़ा। इसकी औकात है इतने बड़े घर में इसका रिश्ता करूं मैं? नाज, तुम्हारा घर भी छोटा नहीं है। इस वक्त जोश के बजाय होश से काम लो, होश से। बच्चा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दोनों नानी नवासी मुंह उठाए चली गई हैं। मुझे वो वक्त बता दो जब तुम्हारा दिमाग चलता है। अच्छा सुन, खबरदार जो जलील के सामने तुमने इस कसम की कोई भी बात, अच्छे तरीके से जानती हो ये मदरजा सिवाय अपने वालदा के किसी की नहीं सुनते। जाने कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे। अच्छा नाज, जैसे भी लोग हैं ना, तुम भी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करो। मुमताज से भी जान छूट जाएगी, जलील भी खुश हो जाएंगे। बस आज तो माँ का बच्चा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी क्यों ना कहते। खाला, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, आप फिर मुझे डांटती हैं। कब से मैंने माँ को भेजा हुआ है रूसा को बुलाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। बासिल, ये जो तुम्हारी और रूसा की जान एक दूसरे में अटकी हुई है ना, इसका भी हल निकाल लिया हमने। रूसा और मेरी जान तो एक दूसरे में अटकी रहेगी, लेकिन हल आपने क्या निकाला है? तुम्हें बहू बना के घर ले जाऊंगी। मैं खुद बुला के ले आती हूँ। अरे मुझे चाय देती जाती। अरे देखो, तुम्हारी भाजी ने तो अभी से मुझे छोड़ दिया। Why are you jealous? I am not. चक्कर देखी थी आपने ममानी जान उनकी बहन की, जब उन्होंने सुना कि हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। लोगों के चेहरे पढ़ने के बजाय अगर तुमने कुछ किताबें पढ़ ली होती ना, तो आनिया की तरह आज तुम बैचलर्स कर रही होती। हाँ तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं यूनिवर्सिटी, करवा दे मेरा एडमिशन। लेकिन फिर आनिया की तरह ही मुझे रिस्ट वॉच भी चाहिए, हैंड बैग भी चाहिए और लैपटॉप भी चाहिए। तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारे नाम का एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट खोल रखा है ना, और तुम्हारी माँ की तो लॉटरी निकल आई है। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मेरे बाबा के बारे में बात की क्या करें, वो मेरे मर चुके हैं। डायलॉग बाजी करनी तो कोई तुमसे सीखे। अरे मेरा बुढ़ापा, चैन से गुजर जाने दो, चैन से गुजर जाने दो। हाँ तो ठीक है ना, रिश्ता ढूंढे मेरे लिए और करवा दे मुझे फारिग, सर से उतारे बला। मैं बता रही हूँ नानू आपको, मैं किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मुझसे इस तरह सिसक सिसक के नहीं रहा जाता, और इस तरह हर महीने चंद चंद हजार गिनती रहूं मैं पागलों की तरह? पागल नहीं हूं। दादो क्या हुआ? ऐसे दौरे इसको अक्सर पढ़ते रहते हैं। तुम ये बताओ, वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया? जी, मैंने तो फॉर्म जमा भी करवा दिया और ये प्रॉस्पेक्टस लाया था कि वो देख ले। ठीक है, दे दीजिएगा उसे।